आप अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप जो कि फेडरल बैंक के साथ जा सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जो कि कोई भी ब्रांच विजिट करना नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। आप जो कि यहाँ पे घर पे बैठ के आपके स्मार्टफोन जो है उसी स्मार्टफोन से आप जो कि यहाँ पे इंस्टेंट वीडियो KYC वगैरह करके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ साथ मैं बता दूँ यहाँ पे जो कि इंस्टेंट जो कि आपको जो कि अकाउंट नंबर और भी जो चीज़ है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूँ आप जो कि यहाँ पे मोबाइल नेट बैंकिंग और यहाँ पे जो गूगल पे फ़ोनपे का भी आप तुरंत जो कि यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे अकाउंट भी ओपन हो जाते हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ जो कि आपका जो कुछ दिनों में आपके घर पे जो कि यहाँ पे पासबुक वगैरह वेलकम किट जो होता है वो डिलीवर भी कर दिया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अकाउंट प्रोसेस कैसे है, आप जो कि यहाँ पे कैसे इजीली स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ ऐसे ही इस चैनल पर मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज वगैरह बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे आपको फेडरल बैंक सर्च कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद फेडरल बैंक साइट को ओपन कर लेना है। ओपन जैसे करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऊपर में कीप देम रेडी बता रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास व्हाइट पेपर और एक पेन रख लेना है, और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है गाइस वो अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ वीडियो KYC होगा फ्रेंड्स, तो कनेक्शन अच्छा जरूर होना चाहिए। नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड में जो आपने मोबाइल नंबर दिया है फ्रेंड्स तो उसी नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले टाइप करने से पहले आपको 91 यहाँ पे कोड डाल देना है, जो इंडिया का कोड होता है, कंट्री कोड, ठीक है। तो यहाँ पे 91 डालने के बाद आपको जो कि लास्ट में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैप्चा को टाइप कर देना है। कैप्चा को टाइप करने के बाद नीचे दो चेक बॉक्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो आपके नंबर पर एक OTP जाएगा फ्रेंड्स, और OTP को यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको जो कि यहाँ पे आई एग्री पे चेक करके और उसके बाद आप जो कि यहाँ पे कंटिन्यू पे कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने जो कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऊपर में जो कि आपका आधार कार्ड नंबर बोल रहा है, तो आपको आधार कार्ड नंबर ऊपर में टाइप कर देना है, और नीचे यहाँ पे पैन कार्ड बता रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे वेरीफाई होगा फ्रेंड्स, आधार और पैन, ठीक है। उसके बाद जो कि एक OTP जाएगा फ्रेंड्स, आपका आधार नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। तो OTP को यहाँ पे जो कि टाइप कर देना है फ्रेंड्स, और कैप्चा नीचे देख रहे हैं फ्रेंड्स, कैप्चर को फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो इसके बाद आपका आधार कार्ड ऑल डिटेल जो है वो शो करेगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है पैन कार्ड नंबर भी आपके सामने शो करने लगेगा, ठीक है। तो आपका सब कुछ डिटेल्स अगर सही है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ आपके पास सही है तो यहाँ पे नीचे जो कि कंफर्म करने के लिए आपको कंटिन्यू बटन दिख रहा है उस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपका जो कि ईमेल आईडी टाइप करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊपर में ईमेल आईडी टाइप कर देना है फ्रेंड्स। नीचे जो कि आपका फादर नेम यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका पापा का नेम डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो कि मदर नेम, आप यहाँ पे मदर नेम डाल सकते हो, ठीक है। और नीचे यहाँ पे जो कि मैरिटल स्टेटस, आप अगर मैरिड हो या सिंगल हो तो यहाँ पे जो कि आप इसको चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल पे यहाँ पे चेक कर देना, और मैरिड पर्सन हो तो यहाँ पे मैरिड पे चेक कर देना। नीचे आपको जो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप अगर चाह रहे हो पासबुक वगैरह मंगाना, और आप अगर उसी एड्रेस पे रहते हो तो आपको जो कि यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आपका जो चेक यहाँ पे किया हुआ है बॉक्स पे तो यहाँ पे चेक ही रहने देना है। आप अगर किसी दूसरे एड्रेस पे रह रहे हो फ्रेंड्स और चाह रहे हो कि दूसरे एड्रेस पे आपका जो कि पासबुक वगैरह सब कुछ जाए, तो यहाँ पे जो कि आप जो कि इसको अनचेक करके आप अपना एड्रेस को यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कि आप यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू बटन पर क्लिक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको नॉमिनी जो नेम है, आपका नॉमिनी का क्या नेम रखना चाहते हो तो यहाँ पे नॉमिनी नेम यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। नॉमिनी का क्या एज है, सेकंड में यहाँ पे आप नॉमिनी का एज यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो चेकबॉक्स है, यहाँ पे जो नॉमिनी रिलेशन, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, आप यहाँ पे जो कि इसको जो कि यहाँ पे डाल सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आपको जो कि नीचे कंटिन्यू बटन दिख रहा है फ्रेंड्स, उस पर कर देना है क्लिक।
उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड, जहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे इनकम वगैरह और भी चीज़ यहाँ पे जो कि डालना होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बता रहे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन हो या आप कुछ बिजनेस करते हो तो यहाँ पे जो कि आपको सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। नीचे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नेम है आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ है तो यहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे नेम डाल सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो नीचे जो है मंथली इनकम आपका बता रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मंथली इनकम के जगह पे आपका कितना इनकम हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे जो कि डाल सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ईयर का एक्सपीरियंस है, आप जहाँ पे आप अगर बिजनेस पर्सन हो आपने अगर डाला हुआ है तो यहाँ पे कितना साल का एक्सपीरियंस है क्या है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो क्वालिफिकेशंस है फ्रेंड्स, ये क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन को आप यहाँ से जो कि सिलेक्ट कर सकते हो नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे और एक जो कि ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, वो है अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पे नीचे आपको जो कि अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालना होता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे ब्रांच दिया हुआ है, तो ब्रांच यहाँ पे आपको ब्रांच टाइप यहाँ पे आपको डाल देना है, ब्रांच जो भी ब्रांच पे आप चाहते हो। ठीक है, उसके बाद स्कीम, कौन सा स्कीम के साथ जाना चाहते हो फ्रेंड्स, आप अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो या आप जो कि यहाँ पे जो उन लोगों का जो अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस होना चाहिए वैसा अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम जो कि यहाँ पे चाहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना, तो यहाँ पे आपको जो कि क्लिक करके आपको SB फीडबुक सेल्फी करके ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, उस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप ये क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो आपके सामने ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पे अकाउंट पे कोई भी पैसा रखने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो कि यहाँ पे जीरो बैलेंस लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू बटन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो इसके बाद आपको वीडियो KYC पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम आपको जो कि यहाँ पे वेट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, और क्योंकि KYC होने वाला है तो आपका कनेक्शन अच्छा ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपको पैन कार्ड जो कि आपके हाथ में होना चाहिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे बता रहा है कि व्हाइट पेपर और आपके पास पेन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे इसके बाद नीचे स्टार्ट बटन दिख रहा है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट बटन पर कर देना है क्लिक। तो आप जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपके सामने कुछ जो कि यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा, जैसे कि आपका माइक और यहाँ पे कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि इन सबको आपको अलाउ कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे अलाउ पे कर देता हूँ क्लिक। जो कि यहाँ पे नीचे आपको फिर से जो कि स्टार्ट बटन दिख रहा है फ्रेंड्स, स्टार्ट बटन पर कर देना है क्लिक। इसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ करके एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लुकिंग फॉर एजेंट, तो आपका एजेंट जो कि यहाँ पे ढूंढ रहा है फ्रेंड्स, तो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे जो कि आपका एजेंट यहाँ पे फाउंड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा करके जो कि एजेंट फाउंड आपके सामने शो हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि एजेंट के साथ यहाँ पे बात करना है और अपना जो भी है डॉक्यूमेंटेशन, आपको पैन कार्ड जो भी बोलता है तो आपको जो कि यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, KYC कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ऐसा करके जो कि ऑप्शन आ जाएगा KYC कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद जो कि आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आपका मोबाइल नंबर पे जो भी है आपका अकाउंट नंबर पासबुक डिटेल जो भी है आपके इस मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो कि आपका मेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे मेथड को आप जो कि फॉलो करके इजीली घर बैठे जो कि आप ऐसे अकाउंट को ओपन कर सकते हो फ्रेंड्स, और जो कि कुछ ही दिनों पे आपका वेलकम किट भी मिल जाता है, आपका पासबुक भी मिल जाता है, तो ऐसे करके आपको जो कि ब्रांच विजिट भी नहीं करना पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, सो या